आज आमी करना रहो या बॉक्स या अनबॉक्सिंग। हे दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले इस गियर एंड राइड की तरफ से आए हुए बॉक्स की। तो भाई लोग, ये है गियर एंड राइड की तरफ से बॉक्स, इसको करने वाले फटाफट से अनबॉक्स। नमस्कार दोस्तों, हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निखिल, स्वागत है मेरे चैनल फैशन विद ट्रेवल में। आप देख रहे हैं कि एक बॉक्स, मिस्ट्री बॉक्स नहीं है, ये गियर एंड राइड की तरफ से एक बॉक्स है जो काफी मुश्किलों के बाद मुझे मिला है। ट्रेजेडी तो आपको पता ही होगा, पिछले वीडियो में मैंने डाला था कि मैंने मई 2021 में एक कुरियर मंगवाया था जो था टैंग बैग, बट कुरियर मैंने खोला दिसंबर 2021 में, यानी लगभग 6-7 महीने बाद। उसमें मैंने जब ओपन किया तो मुझे कुछ और ही मिला, वो था R15 का स्लाइडर, फ्रेम स्लाइडर बोलते हैं जिसको। अगर आप ट्रेजेडी का वीडियो देखने में इंटरेस्टेड है तो आई बटन में लिंक डाली हुई है, आप देख सकते हैं। तो वो मेरे कोई काम का नहीं था और कॉस्ट इससे ज्यादा थी उसकी। ये है अपना एक्सपल्स के लिए टैंक बैग 28 लीटर का गियर एंड राइड की तरफ से, जो है गार्डियन कंपनी का। इसका कॉस्ट मैं आपको बता देता हूँ अभी, वरी करने की जरूरत नहीं है, 2999 यानी 2999 रुपए। तो चलिए फटाफट से कर लेते इसकी अनबॉक्सिंग। इसमें शायद एक्स्ट्रा बिल होना चाहिए, देखते हैं, तो रख देते साइड। तो ये है मेरा बॉक्स, थैंक्स टू मनन सर है जो गियर एंड राइड कॉन्टेक्ट पर्सन, उन्होंने मेरी हेल्प की और इस R15 के स्लाइडर को एक्सचेंज करने में, मतलब रिप्लेस करने में, और उन्होंने ये कुरियर जो है उसके रिप्लेस में मुझे भेजा। तो स्टोरी आपको ऑलरेडी पता है दोस्तों, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, चलिए आगे बढ़ते वीडियो में फटाफट से। तो ये आता है हमारा टैंक बैग, ये दोस्तों मैग्नेटिक टैंक बैग है। मोस्टली जो गाड़ियाँ मेटल टैंक वाली होती है उसमें ये काफ़ी काम आता है। इसका फायदा ये है कि हम छोटा मोटा जो भी इलेक्ट्रॉनिक या कुछ इम्पोर्टेंट स्टफ है जो हमें राइड के टाइम पे लगता है उसे हम इजीली एक्सेस कर पाए। ये हमारे फ्रंट में रहता है, इसमें हम मोबाइल भी रख सकते हैं, चार्जर, ट्राइपॉड, एडाप्टर, कैमरा, काफ़ी सारा स्टफ है जो हम इसमें इजीली कैरी कर सकते हैं और काफ़ी कम्फर्टेबल होता है। ये स्ट्रैप्स के साथ में भी आता है, जिसमें मैग्नेटिक टैंक नहीं है वो स्ट्रैप के साथ बांध दे, और ये है मैग्नेटिक वाला। तो चलिए देखते हैं इसको कि कैसा है ये। एक और बात दोस्तों, इसके पहले भी मैंने टेल बैग मंगवाया था, यानी टैंक बैग और टेल बैग दोनों साथ ही में मैंने ऑर्डर किए थे। मेरा टेल बैग जो है एक्सपल्स के लिए वो ऑलरेडी आ चुका है, इसके साथ मैंने एक दो राइड भी किया है। तो आपको वो राइड के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने वो मुंबई राइड में रिसेंट यूज किया है। उसका जो भी मैं बताऊंगा आपको कैसा है उसको यूसेज, कितना कैपेसिटी है, क्या है, वो आपको आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली शेयर करूंगा। उससे ज़्यादा मुझे ये बैग आपके साथ शेयर करने की बहुत दिल से ऐसी ख्वाहिश थी, बिकॉज ना ये बहुत कंफर्टेबल और बहुत ही बढ़िया सा कॉम्पैक्ट टाइप का होता है। ये एक आपका बोल सकते हैं अपन कॉलेज बैग टाइप भी बन जाता है, जैसे हमें गाड़ी से उतर गए और हमें हाथ में कैरी करके चलने से अच्छा है वो टाई कर लो, उसमें जो स्ट्रैप्स दिए हुए और उसको पीठ पे लाद के हम चल दिए। लगभग लगभग जो टेल बैग आया था उसकी पैकिंग भी सेम ही थी, कॉम्पैक्ट पैकिंग की जाती है, स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई ना करे, कुरियर का चार्जेस भी बचे। मैं एक बार फिर से मनन भाई साहब का दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा जिन्होंने ये रिप्लेसमेंट में मेरी बहुत मदद की, और डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा गार्डियन गियर्स और गियर एंड राइड के जो प्रोडक्ट है उनको, क्योंकि काफी बढ़िया और क्वालिटी प्रोडक्ट होते हैं दोस्तों। मेरा टेल बैग जो है, मेरा गाड़ी पर फॉल डाउन हुआ था, एक स्किट हो गया था एक जगह पे, स्किट की जगह थी, तो मेरा टेल बैग जो है वो पूरी तरह से घसीट गया, बट उसमें सिंपल सा स्क्रैच वगैरह आए बट वो फटा नहीं, काफी मजबूत और टिकाऊ होता है इसका मटेरियल। ये है जाओ मैग्नेटिक 28 लीटर का टैंक बैग और 12 मंथ के वारंटी के साथ आता है। ये कस्टमर केयर का डिटेल दिया हुआ है, आप डेफिनेटली कॉल करेंगे तो आपको रिस्पॉन्ड आना ही आना है। मुझे लाइव एग्जांपल हूं मैं,
मुझे वो चीज का अनुभव हुआ है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। गार्डियन गियर को मैं डेफिनेटली फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स देना पसंद करूंगा, क्योंकि कस्टमर सर्विस प्लस उसका ड्यूरेबिलिटी प्लस उसका क्वालिटी कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है दोस्तों। ये इसका एक्चुअल कॉस्ट है 3199, 3199 यानी 3200 में ये बैग था। 200 का डिस्काउंट मिलके मुझे ये पड़ा है 2999 में। ओके, अगर इसके बारे में कुछ भी आपको डाउट हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में मैसेज छोड़ दीजिए, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। ये है एक टैंक बैग जो कि बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, एकदम मतलब यूनिक सा है दोस्तों। 28 लीटर्स का है और लग छोटा सा रहा है फिलहाल, लेकिन जब ये खुलता है इसमें सामान जाता है तो बहुत ही बेहतरीन सा ग्रिप भी बहुत बढ़िया है इसका। मैग्नेटिक ऐसा नहीं है कि मैग्नेटिक इधर स्किट होगा उधर वो होगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए यहाँ से खुल जाता है, ये इसका पीछे का चैन है, ये बढ़ गया यहाँ से खुल के। ये इसके है मैग्नेटिक, ऐसे टैंक से चिपका दो ऐसे 1 2 3 4 तो बहुत बढ़िया से ग्रिप आ जाती है टैंक पे। साथ ही साथ में इसका ये जो बताया ना मैंने, ये इसका आपका कॉलेज बैग टाइप का बन जाता है। इसको यहाँ पर, ये यहाँ पर इसको आप ऐसे फंसा लो तो वी कैन यूज इट लाइक अ कॉलेज बैग। हम इसको एक कॉलेज बैग की तरह भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर पकड़ने के लिए हैंडल दिया हुआ है काफी मजबूत, और यहाँ पर आप मोबाइल रख सकते हो। ये साइड पॉकेट्स दिए हुए हैं इसमें, काफी बड़े बड़े साइड पॉकेट्स हैं, काफी बड़ी जगह यहाँ मिल जाती है हमें, बहुत सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। यहाँ पर ब्रांडिंग किया हुआ है गार्डियन गियर्स की तरफ से। यहाँ पर भी जो एक पैकेट दिया हुआ है ये भी काफी बड़ा है, मतलब आपको स्टोरेज का कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये है इसका मेन कंपार्टमेंट, देखिए दोस्तों ये ऐसा कुछ खुलता है। यहाँ पर आप कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ रख सकते हैं। यहाँ पर एक स्ट्रैप दिया हुआ है यहाँ पर कुछ अटकाने के लिए। यहाँ पर छोटे छोटे पैकेट्स दिए हुए हैं। ये है इसका रेन कवर, अगर आपके मैग्नेटिक टैंक नहीं है तो आप इसको यूज करके इसको टाई भी कर सकते हो डायरेक्ट। इसके अंदर भी यहाँ पे आपको कवर मिल जाता है, काफी बड़ा स्पेस है दोस्तों। आप अगर देखोगे तो इसमें काफी सारा स्टोरेज आ जाएगा आपका अच्छा सा। यहाँ पर भी ब्रांडिंग की हुई है, ये हेडफोन के लिए है। अगर इसके अंदर यहाँ पर मोबाइल कैरी कर रहे हो अगर यहाँ पर, तो आप यहाँ सर इसका यूज कर सकते हो वायर डालने के लिए। यहाँ पर आपका मोबाइल आ जाता है। यहाँ पर एक छोटा सा पैकेट दिया हुआ है, तो ये है मेरा दूसरा फोन। मैं इसको यहाँ पर डालकर एक बार ऑपरेट करने की कोशिश करता हूँ, क्या ये इसके अंदर से भी ऑपरेट हो जाएगा। तो मैं कर देता हूँ इसको फिलहाल बंद, और चलिए देखते हैं क्या ये ऑपरेट हो जाएगा। ये टच स्क्रीन नहीं है जैसे होना चाहिए, तो आप इसको समझ ले ये टच स्क्रीन नहीं है, आपको उसका मजा नहीं आने वाला इसमें। ऑल इन ऑल बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। यहाँ पर ये लगा हुआ है रिफ्लेक्टर होता है, वो यहाँ पर रिफ्लेक्टर लगा हुआ है छोटा सा। तो यहाँ पर भी कर्व में प्लास्टिक मोल्डिंग के अंदर में रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, और यहाँ पर भी रिफ्लेक्टर है छोटा सा। तो ऐसा कुछ था ये प्रोडक्ट। ये है इसका रेन कवर, थोड़ा बहुत तो ये रेजिस्ट कर लेगा, लेकिन अगर जोर से बारिश हुई तो आप इसका कवर जो है ये इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये आ गया कवर इसके ऊपर, जब गाड़ी पे लगाएंगे हम तो डेफिनेटली बढ़िया से बैठेगा ये। बताइए दोस्तों आपको कैसा लगा ये प्रोडक्ट, और मुझे तो काफी अच्छा लगा, वर्थ है, वैल्यू फॉर मनी है। ये भी आई थिंक रात में जैसे हम चलते हैं कहीं तो रिफ्लेक्ट करेगा, ये भी रिफ्लेक्टर ही है। ऑल इन ऑल आई एम सेटिस्फाइड, और थैंक यू मनन जी, आपने मेरी मदद की इस प्रोडक्ट को मेरे तक पहुंचाने में और पुराने प्रोडक्ट को रिप्लेस करने में। मुझे नहीं लगता कि 6-7 महीने बाद कोई और कंपनी होंगी जो, मतलब मैं खोलना भूल गया था पुराना प्रोडक्ट जो मैंने मंगाया था टैंक बैग बोल के, बट वो 7 महीने तक खुला ही नहीं, मैंने खोला ही नहीं, उसका अनबॉक्स ही नहीं किया। जिस दिन मुझे मुंबई राइड जाना था उस दिन मैंने जब अनबॉक्स किया इसको, तब मेरे सामने पिक्चर आई कि वो स्लाइडर है टैंक बैग नहीं। और लगभग 23 दिसंबर का मेरा राइड था पिछला,
23 दिसंबर के बाद आज मैं 28 जनवरी में इसको अनबॉक्स कर रहा हूँ। 23 दिसंबर के बाद मैंने मुंबई से आने के बाद उसको मैंने कुरियर करवाया था यानी वेनसडे को लगभग 28th या समथिंग, और मुझे ये 4 दिन में ये कुरियर मेरे घर पे आ गया और आज अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। सॉरी फॉर डिले। आपको कैसे लगा ये वीडियो? अगर मेरी स्टोरी जो इस टैंक बैग को लेके अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और कमेंट करना। दोस्तों चैनल पे नए हो तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को भी हिट कर देना ताकि मेरा अगला वीडियो जैसे ही पड़े आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।